सो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे स्ट्रेच मार्क्स के लिए, तो मैं नहीं गाइस, ये आपको झूठ बोल रही है गाइस। गाइस तू लो समझ दे तो हां बोल रही है। हे एवरीवन, सो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे स्ट्रेच मार्क्स के लिए, तो मैं उसके लिए बता दूं कि मतलब सबका स्किन अपना अलग अलग टाइप का होता है। बहुत सारे लोगों का बिल्कुल स्किन में मतलब स्ट्रेच मार्क्स नहीं आता है। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल नहीं आया है। और अगर मेरा बात करोगे तो जी हाँ, मेरे पे आया है। और मैं फोर्थ मंथ से ही लोशन लगाना स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर के सजेशन, मतलब डॉक्टर ने जो क्रीम सजेस्ट किया था मैं वो फोर्थ मंथ से ही स्टार्ट कर चुकी हूँ, जबकि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा है ज्यादा। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं नहीं लगाती तो इससे ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आता जो अभी है, तो बट फिर भी आया है, मतलब ठीक ठाक आ गया है। अब पता नहीं बस नहीं है तो चला जाए, बट मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, डॉक्टर बोलती है कि अगर तुम अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछोगी तो चला जाएगा, ठीक है, वो लाइट हो जाएगा, बट अगर रियल पूछोगी तो स्ट्रेच मार्क्स कभी खत्म नहीं होता है, तो वो कभी नहीं जाएगा। तो जो उन्होंने मुझे जो क्रीम सजेस्ट किया है वो क्रीम बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मेरा स्किन जो है वो काफी पतला है, थीन है, इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आपका स्किन काफी सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, इसीलिए आपकी स्किन पे जो है वो स्ट्रेच मार्क्स आया है। लेकिन मैंने जो सजेस्ट किया है वो दवा बहुत ही अच्छा है, तो मैं दो टाइप का दवा जो है वो लगाती हूँ अल्टरनेटिव डे पे। एक दिन वो लगाया तो वो नहीं, वो लगाया तो वो नहीं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है स्ट्रेचनील, ये आप मंगवा सकते हैं। इसका जो प्राइस की बात करें तो ये 546 का पड़ता है, जी हाँ 546 का पड़ता है। और ये क्रीम जो है वो दिन भर में तीन बार लगाना है, एक बार सुबह, एक बार नहाने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका आएगा। और ये लगभग आपको एक महीने चल जाता है, हाँ मुझे एक महीने चल जाता, मतलब चल गया है, तो एक आप ये मंगवा सकते हैं। दूसरा द मॉम्स को ब्रांड है जिसका आप मंगवा सकते हैं, वो ऑयल है, उसमें दो चीज आपको मिलेगा, एक ऑयल मिलेगा, एक बटर क्रीम मिलेगा, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो अगर सुबह में आप तेल यूज कर रहे हैं तो नहाने के बाद बटर क्रीम यूज कर लीजिए, और रात में जो है इस दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो यूज कीजिए। तो ये लगाने के बाद तो आपको मतलब 5 मिनट का पेट पे जो है वो मसाज दीजिए अच्छा सा, तो मतलब डॉक्टर ऐसा सजेस्ट की थी, तो बस मैं सबको फॉलो करती हूँ। हो सकता है मेरा जो है ना वो बहुत लाइट है, इससे ज्यादा डार्क हो सकता था, बट क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और इसका जो रिव्यू भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं पर्सनली यूज करती हूँ तभी सजेस्ट कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का इस वीडियो के थ्रू कोई प्रमोशन नहीं है, ये आप लोगों ने पूछा तो जस्ट मैंने आपको बताया। ये दोनों आपको एक ही पैकेट में मिलेगा, और इसका प्राइस है, इसका 265 है और इसका 429 है, तो ये दोनों एक साथ आपको मिलेगा। प्राइस इसका थोड़ा सा ज्यादा है बट दो चीज आपको मिल रहा है, तो ये भी आपको 1 से 1.5 महीने तक ये खिंच जाता है। अगर तेल आप 2 बार लगाते हो तो ये क्रीम आप 1 बार लगाओ, अगर ये 2 बार लगाते हो तो ये आप 1 बार लगाओ, तो ये खिंच जाता है, 1-1.5 महीना ये खिंच जाता है। ये स्ट्रेचनील 1 ही महीना चलता है, लेकिन लगाना 3 बार है, जो भी दवा आप लगा रहे हो ना 3 बार लगाना, चाहे वो लगाओ चाहे आप ये लगाओ, ठीक है, ये 2 बार। एक और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, कई लोगों का स्ट्रेच मार्क्स जो होता है वो बहुत रेडिश होता है, मतलब रेड रेड जो है उसमें लाइनिंग बन जाती है, उसके लिए एक दवा मैं जरूर बताना चाहूंगी। ये दवा जो है ना ये कोई क्रीम नहीं है कि आपको कहीं से भी कैसे भी मिल जाएगा, इसके लिए आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन में देंगे तभी ये दवा आपको मिलेगा। इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 240 है, बट ये बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिनके स्ट्रेच मार्क्स पे जो रेड लाइनिंग आती है ना वो इससे नहीं आएगी, तो आप ये देख सकते हैं, ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, तभी मेडिसिन शॉप वालों ने मुझे दिया है, अदरवाइज ये दवा आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। और ये जो है आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी मेडिसिन के स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मैंने तो ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो बस जो मैं यूज करती हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया है, वो ब्रांड भी अच्छा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्या खा रहे हैं? नूडल्स है, रेड सॉस स्पेगेटी। निधि आगे बताओ यार, स्पेगेटी है कि स्पेगेटी है, क्या है? क्या क्या बनाई है, नाम तो क्लियर कर दो, क्या बनाई? इसका नाम है रेड सॉस स्पेगेटी। अच्छा,
रेड सॉस स्पेगेटी कैसा बना हुआ है? बना हुआ अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये होममेड है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ है, जो भी मतलब घर में बनाया के तैयार किया है और कुक ये है। मेरा क्यूटी सा बेबी। शाम का अच्छा खासा नाश्ता करके, इनको परेशान करके, इनका हेयर स्टाइल सब बना के, फिर लगी थोड़ी थोड़ी सी भूख, बट खाने का मन था कुछ मीठा, तो मैंने मंगवाया जलेबी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल मुझे मीठा खाना कितना पसंद है, और सच में बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और जहाँ से मैंने मंगवाया ना, वहाँ का जलेबी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि घी में बना के देता है, केसर का फ्लेवर रहता है, घी का फ्लेवर रहता है, एंड छोटा छोटा बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है। तो बस हमने कुछ मिठाइयाँ भी मंगवाई, साथ में जलेबी मंगवाई, तो मैंने टेस्ट किया। हालाँकि टेस्ट तो पहले किया हुआ है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यम। और इसी के साथ कुछ मिठाइयाँ भी मंगवाई थी, जिसमें कि रसगुल्ले थे और केसर वाला रसमलाई था, तो ये दोनों भी साथ में मंगवाए थे। फिर हम तीनों ने इन्जॉय किया। आज का रात का डिनर जो है ये यही रहा, नूडल्स और साथ में ये स्वीट डिश। स्वीट डिश में तीन वेराइटीज़ है, ये जो है वो केसर वाला रसमलाई है, रसगुल्ला और जलेबी। तो हम लोगों ने इन्जॉय किया। और आजकल मौसम का क्या ही कहना, कभी ठंडी लगती है, कभी इतना ज़्यादा तेज़ धूप रहता है कि गर्मी लगती है, और अभी दो दिन से तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता मौसम का कि कब क्या चेंज हो जाए। और मौसम के हिसाब से तो बारिश है, बारिश में तो पकौड़ी वगैरह खाना चाहिए, बट मुझे तो मीठा खाना था भैया, पकौड़ी तो खा लेंगे बाद में भी। तो जी, हम लोग का डिनर हो गया कंप्लीट। अभी रात के जो है 9-10 के आसपास बज रहा था, आई थिंक 9:30 हो रहा था, हम नीचे से मैं टहल के भी आ गई। उसका लीजिए जी, हमारे भगवान जी का दर्शन कीजिए, लाइट ऑफ किया और चले सोने। तो मिलते हो आप लोगों से मॉर्निंग में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ अपना नाश्ता। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ दलिया। दलिया के लिए पहले तो मैंने जो बाजार से मिलता है बाजार में, वो दलिया मैंने रखा है। इसी के साथ इसमें डालेंगे मूंग की दाल। मैं और दाल में नहीं बनाती हूँ, मैं दलिया प्रेफर करती हूँ मूंग की दाल में ही बनाना, तो दो लोगों के लिए बना रही हूँ। तो बस क्वांटिटी उसी हिसाब से लेंगे। दो मुट्ठी मैंने रखा है दलिया, उसी के साथ दो मुट्ठी मैंने रखा है मूंग की दाल। ये मैं अपने अंदाज से रखती हूँ, क्योंकि हमेशा बनाती हूँ तो इतना अंदाज मतलब आ चुका है कि दो जने के लिए कितना चाहिए और तीन जने के लिए कितना चाहिए। तो बस इस दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसको धो लेंगे अच्छे से। धोना बिल्कुल ना भूलें, वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से धो के फिर दो तीन पानी से धोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पानी ये निकलता है इधर से। तो दो तीन पानी से, जैसे चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, वैसे ही दलिया और दाल को मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेंगे दो तीन पानी से। उसके बाद कुकर में डाल देंगे। इसके साथ जो भी सब्जियाँ आपको इसमें मिक्स करना हो, वो सब्जियाँ काट लें, वो भी मिक्स करके और बॉयल कर लें। दलिया को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, टेस्टी लगेगा और ज़्यादा झंझट भी नहीं है बनाने में, बहुत सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो सब्जी में मैंने गाजर और बीन्स बस यही दोनों लिया है, आप चाहे तो गोभी, लौकी, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं सिर्फ दो ही चीज़ ऐड कर रही हूँ, मुझे दो ही पसंद है दलिया में, सो गाजर और बीन्स मैंने अच्छे से फाइन काट के रख लिया है, और उसका जैसे कुकर भी निकाल लिया है। इसमें जो है वो दलिया जो धोया था वो रख लेंगे, सारी सब्जियाँ रख लेंगे, हल्दी रख लेंगे, नमक रख लेंगे स्वाद अनुसार, उसके बाद थोड़ा सा तेल रखेंगे, जस्ट इसलिए क्योंकि वो कुकर में सीटी जब लगे तो बाहर की तरफ उसका पानी ना आए, इसलिए तेल सिर्फ यूज़ इसीलिए करेंगे, बस दो बूंद। उसके बाद कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद करेंगे और चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इस तरीके से दलिया बनाएंगे ना तो झटपट बन के तैयार भी होगा, ज़्यादा झमेला भी नहीं है बनाने में और टेस्टी भी लगता है। और सर्व करते टाइम या तो आप घी का छौंका लगा लें, नहीं तो थोड़ा सा दो पिंच घी आप इसमें डाल के मिला के खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं तो इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ भैया बनाने का और खाने का, स्पेशली दलिया। ये तो यहाँ पर मैंने कुकर में दलिया रख दिया है, पानी जितना चाहिए, जितना रखना है उतना रख लिया है, और उसके बाद इसमें जो कटा हुआ बीन्स और गाजर था वो भी रख लिया है। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी प्लेट से ही रखने का, बट क्योंकि मेरा ओवर स्मार्टनेस यहाँ पे चला नहीं है, प्लेट से गिरा ही नहीं है, और गिरा है तो दो तीन स्लैब पे ही गिर गया है, इसलिए फिर मैं प्लेट को नीचे रखी हूँ और हाथ से सारी बटोर बटोर के और फिर कुकर में रखी हूँ।
साथ में ही मैंने रखा है नमक, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया थोड़ा सा हल्दी भी रखे, क्योंकि हल्दी नहीं रखेंगे तो कलर नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा तो उदास उदास सा नाश्ता लगेगा, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आएगा आपको खाने में। तो हल्दी जो है वो ज़रूर रखें। और नाश्ते में दलिया खाना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, ये बूढ़े बच्चे जवान और प्रेग्नेंट लेडी ये सभी लोगों के लिए ये एक हेल्दी नाश्ता है। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए, बनाइए और सब लोग को खिलाइए, हेल्दी रखिए। और आप लोगों को भी पता है कि मैं भी अभी प्रेग्नेंट हूँ तो अपना कितना ख्याल रखती हूँ, इसीलिए मैंने चूज़ किया आज की सुबह का नाश्ता दलिया। तो ये इतना झटपट बनता नहीं है जितना झटपट मैंने आप लोग को बताया है। कुकर डालने के बाद इसमें अच्छे से 5 या 6 सीटी आने दीजिए। 5-6 सीटी के बाद ये सारे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, पूरा गला हुआ दिखेगा। और उसके बाद ये तैयार है, क्योंकि इसमें नमक रखा हुआ है तो इसमें कुछ भी मिक्स करने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से जितना भी खाना है वो क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो बस रख लीजिए। और चुटकी भर, मतलब चुटकी भर नहीं, थोड़ा सा घी रख लीजिए। और घी का आप इसमें छौंक भी दे सकते हैं, तड़का भी मार सकते हैं इसको गर्म करके घी को, बट मैं ऐसे ही करके खाती हूँ, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है, मैं तड़का नहीं लगाती हूँ बस। तो एक कटोरी अपने मिस्टर जी को दूंगी, एक कटोरी मैं लूँगी और फिर हम लोग नाश्ता इन्जॉय करेंगे। आज मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं अपने नेल पे पेंट करूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने नेल को नहीं पेंट किया है। तो मैंने कलर चूज़ किया है, ये कुछ पीच कलर और गोल्डन कलर का है, ये देखिए मैंने कर लिया, कैसा डिज़ाइन लग रहा है। और ये साइड साइड में जो बिखरा हुआ लग रहा है, नहाऊंगी तो सब खत्म हो जाएगा जैसे ही पानी पड़ेगा। और ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और क्योंकि डिलीवरी टाइम में सबको हटाना ही पड़ेगा, तो उससे पहले जो है वो कर लिया है मैंने अपने शौक पूरे, मतलब मुझे बहुत दिनों से मेरा नेल जो है वो खाली खाली सा था, तो आज मैंने पेंट लगा लिया। और आज की लंच की रेसिपी जो मैं सूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे फोन का ना बैटरी डेड हो चुका था, तो था नहीं तो मैं नहीं सूट कर पाई हूँ। सो आज के लंच में मैंने बनाया था ड्राई चिकन, चावल और साथ में लिया था दही और कुछ सलाद। सलाद के नाम पे आज सिर्फ मेरे पास खीरा था और प्याज खाने का मन नहीं था, और फिर और कुछ भी मुझे सलाद में था नहीं मेरे पास, लाइक टमाटर वगैरह, तो बस खीरा लिया था। चावल ड्राई चिकन बहुत टेस्टी लगता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। एंड आप लोग भी अपने घर में अच्छे अच्छे खाना बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और हाँ, साथ में मैंने हरी चटनी भी बनाई थी। खाना खाने के बाद बस वही रोज़ की तरह थोड़ा सा लेटना, इधर उधर करना, और मेरे पति देव का जो ऑफिस चलती रहता है तो उनका तो शाम में ही वो फ्री होते हैं। जनाब का हुआ है ऑफिस खत्म, मतलब ऑफिस ओवर हो गया है टाइम, तो अचानक से मूड बन गया इनका मूवी देखने का, तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। चले तो बताइए, हम लोग का प्लान जो ऐसे से बनता है, अचानक से बन गया और निकल जाओ। और रहा बात रेडी होने का, तो मैं 2 मिनट में रेडी भी हो जाती हूँ, मतलब मैं अपने टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से रेडी होती हूँ। आज कुछ किया नहीं, ऐसे बाल को अच्छे से बांध लिया, लिपस्टिक एंड आईब्रो पेंसिल, दैट्स इट, मास्कारा, बस कन्वीनियंस के हिसाब से रेडी हो जाओ। कितना झूठ बोल अभी आप एक काम कीजिए, मोबाइल का टाइम दिखा दीजिए। झूठ बोल रही है, अभी आप मोबाइल का टाइम दिखा दीजिए और ऑफिस का टाइम और इस वक्त का टाइम जो है वो। नहीं गाइस, ये आपको झूठ बोल रही है गाइस। गाइस को उल्लू समझते हैं तो? हाँ, उल्लू नहीं समझते हैं, आप उल्लू समझते हैं। नहीं नहीं, मेकअप में क्या किया हुआ है मेरे फेस पे बताओ। गाइस 6:15 से हमारा शो था, मैंने उसको 3 बजे बोला और अभी टाइम हो रहा है गाइस 5:20 और अभी देखिए अभी जाकर के रेडी हुई है। नो, झूठ बोल रहा है। बस हम लोग घर से निकल गए मूवी देखने के लिए। आप लोगों को जैसा पता ही है कि हमेशा की तरह वेगास मॉल ही जाऊंगी द्वारका के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नियर पड़ता है, तो वहाँ जाना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक एक्चुअली वही है, तो वहाँ चले जाते हैं हम लोग मूवी देखने। तो अभी फ़िलहाल एक नई मूवी आई है तो वही देखने जा रही हूँ, और निधि जा चुकी है अपने, मतलब हॉस्टल जा चुकी है, तो कोई मत ये बोल देना कि निधि कहाँ है, वो हॉस्टल जा चुकी है, सुबह में ही वो निकल गई थी, तो सिर्फ हम ही दोनों बच्चे हैं इसीलिए हम ही दोनों जा रहे हैं। फिर वो आएगी जब बेबी डिलीवरी का टाइम, मतलब टाइम नज़दीक आ ही चुका है, बट जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो फिर वो चली आएगी। आप सबको पता है ग्वालियर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आना जाना जो है वो बहुत ईजी पड़ता है, एंड ट्रेन से 3 घंटे का रास्ता है। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मूवी हॉल, और ये मूवी हॉल से आप काफ़ी अवगत होंगे क्योंकि यहाँ पे कई बार आ चुकी हूँ और ब्लॉगिंग कर चुकी हूँ, और इसके अंदर का इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें अंधेरा में रहता है, और एक बार तो आप लोग को दिखा ही चुकी हूँ।
तो बस यहीं आते हैं। और ख़ास तौर से जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, जब से प्रेगनेंसी में, तो मिस्टर कुमार मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। मैं मना भी करती हूँ कि नहीं जाना इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महंगा पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ रहता है, मतलब सब कुछ रहता है नीचे, वही चीज़ें आपको सस्ते मिलेगी। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।